आज लड़के का जन्मदिन है। उसके पिता उसे गिफ्ट में एक अनोखी स्मार्ट वॉच देते हैं। उसकी कलाई कट गई है, खून बह रहा है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि ये स्मार्ट वॉच निकाली नहीं जा सकती, लेकिन आगे चल के ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। लड़का कभी समझ नहीं पाता कि आखिर इसका क्या काम है। आज साल 2067 है। एथन इस रिस्टबैंड को लगाए हुए बड़ा हो चुका है। इस समय पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण धरती पर मौजूद अधिकांश पेड़ पौधों का नाश हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी के कारण करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और जो बच गए हैं वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। ये बचे कुचे लोग अपनी जिंदगी सिंथेटिक ऑक्सीजन के सहारे चला रहे हैं, लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन के भी गंभीर दुष्प्रभाव है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एथन की घरवाली भी इससे पीड़ित है। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि एथन अधिक से अधिक पैसा कमाकर उसके लिए सर्वोत्तम किस्म की ऑक्सीजन खरीदता है, लेकिन इससे उसकी बीमारी में कोई मदद नहीं होती और एक दिन उसे क्रॉनिकॉफ से बुलावा आता है। एथन और उसका जिगरी दोस्त जेट कंपनी के हेडक्वार्टर जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंथेटिक ऑक्सीजन निर्माता कंपनी है। कंपनी की मालकिन टुनटुन एथन से कहती है कि वो इस प्लेनेट को खत्म होने से बचा सकता है। ये सुनकर एथन हैरान है, आखिर आंटी बोल क्या रही है। उसी समय टुनटुन उसे एक टाइम